बहुत सारे लोगों को तकलीफें होती हैं, बोलते हैं मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी टीम काम नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन सर पता नहीं क्या हो गया, सेल्स नहीं आ रही है, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, मैंने बहुत पहले ज्वाइन किया था और अभी तक मैं यहीं पे अटका पड़ा हूँ। बहुत सारी दिक्कतें होंगी बिजनेस में, बहुत सारी दिक्कतें आगे भी आएंगी बिजनेस में, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, और ये बात बहुत ही क्लियर आप सबको होनी चाहिए कि उन सारी दिक्कतों का कोई एक सोल्यूशन अगर है तो वो है कि आपका अपना विजन बोर्ड हो। अगर आपका अपना विजन बोर्ड है तो ये सारी दिक्कतों से आप पार पा लेंगे। अगर आपका विजन बोर्ड नहीं है तो हर छोटी से छोटी समस्या आपके लिए बड़ी हो जाएगी, और अगर आपका विजन बोर्ड है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहेगी। विजन बोर्ड क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ फोटोज पोस्टेड ऑन ए पोस्टर बोर्ड। एक पोस्टर बोर्ड के ऊपर बहुत सारी फोटोज का एक कलेक्शन, बहुत सारी फोटोग्राफ्स का एक कलेक्शन एक पोस्टर बोर्ड के ऊपर, उसको हम कहते हैं विजन बोर्ड। विजन बोर्ड वो चीजों का पोस्टर बोर्ड है जो चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो बदलाव अपनी जिंदगी में आप देखना चाहते हैं, जिस तरह की जिंदगी आप देखना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपके विजन बोर्ड पर होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज पिक्चर योर गोल्स। आपके जो भी गोल्स हैं वो पिक्टोरियल फॉर्म में होने चाहिए, पिक्चर की फॉर्म में होने चाहिए, इमेज की फॉर्म में होने चाहिए, और वो आपके सामने होने चाहिए। विजन बोर्ड क्या है? कलेक्शन है फोटोग्राफ्स का पोस्टर बोर्ड के ऊपर, उन चीजों का कलेक्शन जो चीजें आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं जिनके अंदर, और आपकी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि आपके गोल्स की पिक्चर आपके सामने हो। टू सी योर गोल्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज ऑलवेज। आपके गोल्स हमेशा आपकी आंखों के सामने रहे, आपकी नजरों के सामने रहे, आपका फोकस हमेशा आपके गोल्स के ऊपर बना रहे, इसके लिए जरूरी है विजन बोर्ड बनाना। इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर यू देन यू आर लिविंग राइट नाउ। जैसी जिंदगी आज आप जी रहे हैं उससे बेहतर जिंदगी अगर आप जीना चाहते हैं, जिस तरह की लाइफ आपकी है, जिस तरह का लाइफ स्टाइल आपका है, जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है उससे बेहतर अगर आपको कुछ चाहिए, आपको आज से बेहतर कल की जिंदगी चाहिए, आने वाले कल की जिंदगी आपकी आज से बेहतर हो, उसके लिए जरूरी है कि आप विजन बोर्ड बनाएं। विजन बोर्ड के बारे में मैं कुछ और बातें आपसे करता हूं। बहुत बार आपने अपने गोल्स लिखे होंगे, बहुत बार आपने अपने ड्रीम्स लिखे होंगे, बहुत बार आपने अपने गोल्स लिखे होंगे कि मुझे क्या क्या चाहिए लाइफ में, लेकिन अब तक वो गोल्स अकम्प्लिश नहीं हुए। आपने वो ड्रीम्स, आपने वो गोल्स लिखे लेकिन वो साकार नहीं हुए। पता क्यों? क्योंकि उन गोल्स को आप हर रोज देख नहीं पाते, वो लिखे हुए हैं कहीं पर और रखे रहते हैं, वो गोल्स हमेशा आपके सामने नहीं रहते, वो आपकी नजरों के सामने नहीं रहते, आप उनको विजुलाइज नहीं कर पाते, आप उनको देख नहीं पाते, आपकी नजरें हमेशा उसके ऊपर टिकी नहीं रहती और आपका फोकस थोड़ा सा हिल जाता है, जिसकी वजह से जो भी आपके सपने थे, जो भी आपके गोल्स थे, अब तक पूरे नहीं हो पाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने, आपके गोल्स पूरे हो जाएं, वो साकार हो जाएं, वो हकीकत बन जाएं, तो विजन बोर्ड बनाना जरूरी है। विजन बोर्ड को देखकर आपका जो पैशन है वो इग्नाइट हो जाएगा, आपके अंदर जो फायर है, आपके अंदर जो आग है, वो आपकी इग्नाइट हो जाएगी, उसको चिंगारी मिलेगी। हम सबके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा है और बहुत प्रबल इच्छा होती है हमारे अंदर, लेकिन क्या करना है ये अक्सर हम भूल जाते हैं। हम कुछ बनना चाहते हैं लेकिन क्या बनना चाहते हैं उसके ऊपर कई बार ध्यान नहीं रहता है। तो जब आपका विजन बोर्ड आपके पास में होता है, जब आपके सामने होता है, तो ये आपको हर रोज आपके अंदर जो फायर है उसको चिंगारी देता है, ये आपको इमोशनली अटैच करके रखता है आपके गोल्स के साथ में। आपका विजन बोर्ड आपको इमोशनली कनेक्ट करता है आपके गोल्स के साथ में। और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको टालिए मत। मैंने हफ्ता भर पहले ये सेशन लिया था कि अपना विजन बोर्ड बनाइए, उसके बावजूद कुछ लोगों ने अपना विजन बोर्ड बनाया, कुछ लोगों ने सिर्फ पॉइंट्स लिखे, कुछ लोगों ने अपना विजन बोर्ड मेरे साथ शेयर किया, कुछ लोगों ने शायद हो सकता है आपने और अपना इसके साथ शेयर किया होगा, लेकिन 90% ने नहीं किया। मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि बार बार बोलने के बाद भी, समझाने के बाद भी, हर कामयाब आदमी दुनिया में आपको कहेगा कि विजन बोर्ड होना चाहिए, हर सफल व्यक्ति आपको कहेगा कि उसकी सफलता के पीछे उसका विजन बोर्ड था, हर कामयाब व्यक्ति, हर कामयाब हस्ती आपको ये बात बताएगी कि उनके कुछ गोल्स थे, उनके पीछे वो पागल थे जिसकी वजह से वो आज कामयाब हुए।
इसलिए मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है सबको हाथ जोड़कर कि प्लीज अपना विजन बोर्ड तुरंत बनाइए, उसको पोस्टपोन मत कीजिए। जितना जल्दी आप अपना विजन बोर्ड बनाएंगे, जितना जल्दी आप अपना विजन बोर्ड बनाएंगे उतनी जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। दोस्तों गोल्स को अचीव करने के लिए विजन बोर्ड बनाना बहुत ही जरूरी है। विजन बोर्ड आपको बताएगा या आपको मदद करेगा कि आपको चाहिए क्या। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम सबके अंदर एक ख्याल है कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की, पर हम बनना क्या चाहते हैं, हमें चाहिए क्या, मुझे अपनी जिंदगी में क्या क्या चाहिए जो मुझे खुश करेगी, मुझे ऐसी कौन सी चीजें चाहिए जिनसे मुझे खुशी मिलेगी, मेरी बड़ी और को खुशी मिलेगी। तो वो क्या क्या चीजें हैं जो मुझे खुश करेंगी, वो आपको पता होनी चाहिए जो आपके विजन बोर्ड पे होने चाहिए। आपका विजन बोर्ड आपको बताएगा, आपको हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा ये बताने में, आपको हमेशा याद कराने में कि आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका विजन बोर्ड आपको हमेशा रिमाइंड कराएगा, हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन सी हैं, आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं। कल को अगर ऊपर से बुलाव आ जाए तो अचानक अगर आ जाए, क्योंकि अचानक ही आता, प्लान करके नहीं आता, तो कौन से ऐसे रिग्रेट्स होंगे आपको, कौन से ऐसे पछतावे होंगे कि काश मुझे कुछ साल और मिले होते, कुछ महीने कुछ और मिले होते मुझे, और मैं उन महीनों में कुछ सालों में ये करके जाता, जिससे लगता कि आपका जीवन सफल हो गया। तो ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपके विजन बोर्ड पर होनी चाहिए और विजन बोर्ड आपको याद दिलाएगा। विजन बोर्ड आपको याद दिलाएगा कि अपने गोल्स पे पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत दिन पहले ज्वाइन किया था लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ, मैंने गोल्स भी लिखे थे, मैंने सपने भी लिखे थे, मैंने बताया भी था लेकिन मेरे वो सपने पूरे नहीं हुए। बहुत सारे लोग कहेंगे मैं बहुत लंबे समय से बिजनेस में हूं लेकिन जैसे रिजल्ट्स मुझे चाहिए थे वैसे रिजल्ट्स नहीं आए, और जवाब यही होगा कि उनका पास विजन बोर्ड नहीं होगा। और विजन बोर्ड अगर होगा भी, 99% चांस है कि उनके पास विजन बोर्ड नहीं होगा, और अगर बाई चांस उन्होंने बनाया भी होगा फॉर्मेलिटी के लिए तो विजन बोर्ड उनके सामने नहीं रहा होगा। अदरवाइज अगर विजन बोर्ड आपने बना के रखा हुआ है और आपके गोल्स आपके सामने होते हैं तो फिर आप रिलैक्स नहीं करते हैं। ये विजन बोर्ड आपको याद दिलाता है कि आपको मेहनत करनी है। जब दिल नहीं करता काम करने का तो ये विजन बोर्ड आपको कहता है कि उठ जा, बहाने मत बना और काम कर, क्योंकि गोल आपके सामने है और गोल के लिए उल्टी गिनती चल रही है। क्योंकि जो गोल होते हैं उनकी एक डेडलाइन होती है, उनकी एक कंप्लीशन डेट होती है, उनके अचीवमेंट की एक डेट होती है, ड्रीम्स की कोई डेट नहीं होती। विजन की विजन अनलिमिटेड है, बहुत सारे विजन्स होते हैं हमारे, लेकिन जब वो गोल बनकर आपके विजन बोर्ड पर आ जाते हैं तो वहां पर एक डेट होती है, और जैसे ही वो डेट आप डालते हैं उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और जब आप आलस में होते हैं, जब आप बहानेबाजी कर रहे होते हैं, जब आपको पता है कि आप कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं छोटा सा एक आलस है जिसकी वजह से आप मेहनत करने से चूक जाते हैं, और वही कारण बनता है आपकी नाकामी का। तो अगर आपने विजन बोर्ड बनाया है और गोल्स आपके सामने हैं तो विजन बोर्ड आपको प्रेरित करेगा ज्यादा मेहनत करने के लिए, वो विजन बोर्ड आपको प्रेरित करेगा लगातार काम करने के लिए। दो दिन पहले, तीन दिन पहले मैंने एक सेशन लिया था और उसमें मैंने एक बात बोली थी कि बिवेयर ऑफ ऑन ऑफ मोड, ऑन और ऑफ मोड से बचकर रहिए। बहुत सारे लोग एक दिन काम करते हैं फिर चार दिन के लिए गायब हो जाते हैं, एक दिन ऑन फिर चार दिन के लिए ऑफ, 15 दिन काम किया फिर 15 दिन के लिए गायब हो गए, तो 15 दिन ऑन 15 दिन ऑफ, 1 महीना काम किया फिर 6 महीने के लिए गायब, तो 1 महीना ऑन और 6 महीने ऑफ। अगर ये ऑन ऑफ करते रहेंगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी। जब आप ऑन मोड में थे, जो आपने काम किया था उसके जो रिजल्ट आने वाले थे, उसके जो अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले थे, वो परिणाम मिलने से पहले ही अगर आप ऑफ मोड में चले गए तो फिर वो परिणाम नहीं आएंगे, उसका उल्टा असर हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप लगातार काम करें, और विजन बोर्ड आपको हेल्प करता है, आपको मदद करता है कि आप ऑन ऑफ मोड में ना जाएं, आप रेगुलरली काम करें, आप लगातार मेहनत करें और आप रेगुलरली काम करें। विजन बोर्ड आपको हेल्प करता है ये समझाने में कि आपको अपनी टीम के साथ में काम करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, वो बहुत बड़े हैं, हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में और वो अकेले नहीं हो सकते, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये हम सब जानते हैं।
इसलिए विजन बोर्ड आपको रिमाइंड कराएगा कि आप अकेले ये गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको अपनी टीम के साथ में काम करना पड़ेगा। विजन बोर्ड आपको रिमाइंड कराएगा, विजन बोर्ड आपको बताएगा कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको एक मेंटर की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उतने स्मार्ट नहीं है, आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना आपके मेंटर के पास है। तो आपका विजन बोर्ड आपको आपके मेंटर से कनेक्टेड रखेगा, क्योंकि आपके गोल्स है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको अपने मेंटर की बात बुरी लगेगी, बहुत बार हमारे बिजनेस में ऐसा होगा कि आपका मेंटर आपके लिए टफ बातें इस्तेमाल करेगा, टफ वर्ड्स इस्तेमाल करेगा, कभी आपको डांट देगा, कभी आपको इग्नोर कर देगा, कभी आपको धमका देगा, कभी आपको सिर्फ छोड़ देगा अपने हाल पर। वो इसलिए नहीं कि वो आपको आपका बुरा चाहता है, पर इसलिए कई बार आपको इग्नोर करता है कि आप रियलाइज करें, आप महसूस करें कि आप किसी ने कोई गलती की है, आप रियलाइज करें कि आपने जो मिस्टेक किया था वो गलत था, और आप रियलाइज करें और इस बात का संकल्प करें कि आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। इसलिए जब आपका विजन होता है, आपके गोल्स होते हैं और गोल्स की डेट नजदीक आ रही होती है और आप कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रहे होते हैं, तो ये विजन बोर्ड आपको बोलता है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए था। इसलिए जरूरी है जाओ अपने मेंटर से बात करो, और मेंटर्स के बात करने से आपको कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है आपका विजन बोर्ड। विजन बोर्ड विजन बोर्ड आपको याद दिलाता है टाइम टू टाइम, वक्त पर वक्त वो आपको बताता है, याद दिलाता रहता है, क्योंकि हर विजन के पीछे, हर गोल के पीछे एक डेट है। वो आपको बताता है कि आपको आपका गोल अचीव करने में अभी कितना दूरी बाकी है, आप अपने लक्ष्य से कितने दूर हैं, या आप अपने लक्ष्य के कितने नजदीक हैं। आपके लक्ष्य आपके सामने होते हैं, डेट सामने होती है, आपको पता रहता है कि ये गोल मेरा बहुत दूर है अभी, तो आपको बोलता है कि ज्यादा मेहनत करो। अगर आपको लगता है कि गोल नजदीक है तो भी आपको कहता है कि बस नजदीक है, पकड़ ले अपने गोल को, अचीव कर ले अपने सपनों को, आप अचीव कर ले अपने जिंदगी के एक बहुत बड़े विजन को जो कि आपके सामने है, जो फिनिशिंग पॉइंट है उस लक्ष्य का, वो बहुत नजदीक आ गया है, तो आपकी रफ्तार बढ़ जाती है। विजन बोर्ड से जो सबसे बड़ी बात है, जो कि भगवद गीता से निकली हुई है, विजन बोर्ड में का मतलब क्या है, ये भगवत गीता की है, भगवान श्री कृष्ण की हम सबको एक सौगात है भगवत गीता, और भगवत गीता में लिखा हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिन चीजों के बारे में पूरी शिद्दत के से सोचते हैं, जिन चीजों को आप विजुलाइज करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो भी चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है, जो भी बातें आपके दिमाग में एक लंबे समय तक रहती हैं, जिन भी विचारों को आप लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं, जो विचार आपके दिमाग में लगातार घर कर जाते हैं, वही आपकी जिंदगी में होता है। अगर आपके, मैं कई बार बोलता हूं आप लोगों को कि न्यूज से दूर रहिए, अखबारों से दूर रहिए, ज्यादा हेडलाइंस के अलावा मत देखिए, ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, न्यूज की बजाय आप दूसरी चीजें देखिए, अगर देखना है तो न्यूज देखनी है तो थोड़ी देर के लिए देखिए और उसके बाद बंद कर दीजिए टीवी को, और अगर टीवी देखना भी है तो मूवीज देखिए, कुछ और देखिए जो इन्फॉर्मेटिव हो, जो कि एजुकेटिव हो, जो आपको अच्छी चीजें आपके दिमाग में भरता हो। वो इसलिए क्योंकि अगर 24 घंटे कोरोना देखेंगे, 24 घंटे दंगे देखेंगे, 24 घंटे नेताओं के उल्टे पुल्टे बयान देखेंगे, तो हम अपने दिमाग के अंदर कुछ नेगेटिव चीजें भर रहे हैं, और आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें आ रही होंगी, आपको किसी के प्रति नफरत हो जाएगी। जब आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर आदमी ऐसा करता है और वो आपको अच्छी नहीं लगती, तो धीरे धीरे जब आप वही बातें बार बार देखते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट नफरत हो जाती है। तो और इस तरह की जो इमोशंस होती हैं, ये आपके शरीर के लिए भी अच्छी नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए भी अच्छी नहीं है, आपके काम के लिए भी अच्छी नहीं है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अच्छी चीजों पर फोकस कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए, जो आप चाहते हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए, जो आप नहीं चाहते उनके बारे में मत सोचिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि अगर आपके दिमाग में है कि ये मेरे साथ ना हो, तो वो भी हो जाता है, क्योंकि वो आपके दिमाग में लगातार रह रहा है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए, भगवत गीता को फॉलो करते हुए, भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग को फॉलो करते हुए, हम सबको एक अच्छा विजन बोर्ड बनाना चाहिए। वो सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें जो आपकी लाइफ में चाहते हैं आप, वो चीजें जो आप नहीं चाहते, वो बिल्कुल भी आपके विजन बोर्ड में नहीं होनी चाहिए, वो आपकी नजरों में आनी ही नहीं चाहिए। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझिए,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि दिमाग को अच्छी खुराक दीजिए, आपका दिमाग आपको बहुत अच्छा कुछ करके देगा। जब आप विजन बोर्ड बनाते हैं तो ये आपको हेल्प करता है अपने भविष्य को देखने के लिए। विजन बोर्ड का मतलब क्या है कि आप जो अपने भविष्य में चाहते हैं, अपनी लाइफ में जिन जिन चीजों को आप चाहते हैं, जिनको आप साल भर के अंदर चाहते हैं, वो सारी चीजें आपने आपके विजन बोर्ड पे रखी हुई है और सुबह शाम आप उनको देखते हैं और आप महसूस करते हैं कि ये मैं पाकर रहूंगा, इनको मैं अचीव करके रहूंगा, जिससे कि आप उनको विजुलाइज कर पाते हैं और आप अपने फ्यूचर को देख पाते हैं, उन सपनों को साकार होते हुए देख पाते हैं आप अपने विजन बोर्ड के ऊपर, जो कि आपको एनर्जी देता है, वो आपको फोकस बनाए रखता है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचा लेता है। ये विजन बोर्ड आपको जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी चाहिए आपके गोल्स के ऊपर फोकस रहने के लिए, ये विजन बोर्ड आपको करके देता है, ये विजन बोर्ड आपकी मदद करता है। ये विजन बोर्ड जो सबसे अच्छा काम करता है आपके लिए वो ये, जब हम जानते हैं कि हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं, जब हम जानते हैं कि हमारे जो गोल्स हैं बहुत बड़े हैं, उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, हमें बहुत सारा कुछ और चाहिए उन गोल्स को अचीव करने के लिए, और ये विजन बोर्ड आपको समझाता है कि जो आपके लक्ष्य हैं वो बहुत दूर है और बहुत बड़े हैं, और जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, जो आपके चाहते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और जो आपके पास स्रोत हैं, जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, जिन जो आपके पास संसाधन हैं वो बहुत छोटे हैं। तो आपको समझ में आता है कि आपको इन सपनों को पूरा करने के लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है सेफ शॉपिंग। ये बात आपको समझ में आ जाती है कि अगर आपको इतने बड़े बड़े गोल्स को अचीव करना है तो उन बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा संसाधन चाहिए, आपको कुछ ऐसा चाहिए जो इन लक्ष्यों को आपके लिए पूरा करके दे, जो आपकी कमाई बढ़ा सके, जो आपके रिसोर्सेस को मल्टीप्लाई कर सके, जो आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा सके, जहां पर अकेले ना काम करके आपके साथ बहुत सारे लोग काम करें आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो आपको समझ में आ जाता है कि कोई और रास्ता है ही नहीं, आप फोकस हो जाते हैं, आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल बैठ जाती है कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास एकमात्र रास्ता है, वो है सेफ शॉप बिजनेस। और जब आप लगातार उसके ऊपर ध्यान देते हैं और जब आपको पता लग जाता है कि सेफ शॉप बिजनेस के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फिर बहानेबाजी अपने आप खत्म हो जाती है, आपकी मेहनत अपने आप बढ़ जाती है, आपका फोकस अपने आप बढ़ जाता है। विजन बोर्ड पर जो चीजें आपको डालनी है वो क्या क्या है, चार ब्रॉड कैटेगरीज है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, आज फिर रिपीट करूंगा क्योंकि पिछली मीटिंग में बहुत सारे लोग नहीं थे। विजन बोर्ड पर चार कैटेगरीज होनी चाहिए। पहली कैटेगरी हेल्थ एंड फिटनेस, अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी है अच्छी हेल्थ और फिटनेस। तो आपके हेल्थ रिलेटेड जो गोल्स हैं वो एक तरफ होने चाहिए उसके अंदर, कि आप किस तरह की फिटनेस चाहते हैं, आप किस तरह की बॉडी चाहते हैं, आप किस तरह की फिजिक चाहते हैं, किस तरह की फिगर चाहते हैं, आपकी हेल्थ रिलेटेड जो गोल्स हैं, आपका स्टैमिना कितना हो, आपकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी हो, आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हो, इस तरह के गोल्स आप एक तरफ रखिए। तो हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड आपके जो गोल्स हैं वो रखिए, साथ में आपके वेल्थ रिलेटेड गोल्स, वेल्थ मतलब पैसा, धन दौलत, आपके पास बैंक में कितना पैसा हो, आपके पास म्यूचुअल फंड्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, बॉन्ड्स में कितना पैसा हो, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी हो, आपके पास असेट्स जो फाइनेंशियल असेट्स हैं, जो कैश है वो कितना हो, फाइनेंशियल असेट्स वो कितने हो जिस, और उससे आप क्या क्या करेंगे, फाइनेंशियल असेट्स कितने हो और वो कितना आपका लक्ष्य है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, या इस ईयर के एंड तक, इस करंट ईयर के एंड तक आपके पास आप बैंक में इतना पैसा हो, म्यूचुअल फंड में इतना पैसा हो, FD में इतना पैसा हो, क्या क्या करेंगे उनसे, वो सारी चीजें वेल्थ रिलेटेड चीजें आप अपने विजन बोर्ड पे जरूर रखें। दूसरी कैटेगरी हो गई वेल्थ, और तीसरी कैटेगरी होगी आपकी फैमिली एंड होम के विजन, आप अपनी फैमिली को क्या देना चाहते हैं, कौन से गिफ्ट अपने फैमिली को देना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं तो कहाँ घूमना चाहते हैं, आपका घर कैसा बनाना चाहते हैं, घर के अंदर चेंजेस क्या क्या करना चाहते हैं, किस जगह पर घर चाहते हैं, अगर एग्जिस्टिंग जगह पर चाहिए तो उसके अंदर क्या क्या रेनोवेशन करना चाहते हैं, क्या क्या चेंजेस उसके अंदर लाना चाहेंगे। तो फैमिली से रिलेटेड और अपने घर से रिलेटेड आपका क्या विजन है, 10 साल बाद का नहीं, इसी साल के अंदर। विजन बोर्ड 1 साल के लिए वैलिड होता है, अगले साल आपको फिर से उसको चेंज करना है या उसको रिफ्रेश करना है। इसलिए आपकी फैमिली के लिए और आपके होम के लिए क्या विजन है, तीसरी कैटेगरी। और चौथी कैटेगरी आपके प्रोफेशनल गोल, आपका प्रोफेशनल विजन, आप अपने प्रोफेशन में किस लेवल पर जाना चाहते हैं, आप सेफ शॉप बिजनेस में कौन सी प्रमोशन लेना चाहते हैं इस ईयर के एंड तक,
आप उस प्रोफेशन में क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या देखते हैं कि आपको क्या क्या मिल जाए इस प्रोफेशन में, किस तरह का रुतबा हो, किस तरह की शौहरत हो, किस तरह का लेवल आपका हो, किस तरह का स्वागत आपका हो, किस तरह की वेलकम आपको मिले, इस तरह का कोई गोल। आप प्रोफेशनली क्या क्या चाहते हैं, आपके फैमिली के लिए, आपके घर के लिए आप क्या क्या चाहते हैं, वेल्थ आपको कितनी चाहिए, पैसा आपको कितना चाहिए, और आपकी सेहत कैसी हो, आपकी फिटनेस कैसी हो। ये चार ब्रॉड कैटेगरीज में अब हमने विजन बोर्ड को बनाइए, और उसके बाद आपका विजन बोर्ड आपको हमेशा इंस्पायर करते रहना चाहिए। विजन बोर्ड आपको प्रेरित करना चाहिए, जब भी आप उसको देखें आपके अंदर वो एनर्जी आ जाए, जब भी आपकी नजर आपके विजन बोर्ड पर जाए आपको फोकस मिले, आपको ध्यान चला जाए कि हाँ मैंने ये करना है, और आपको ध्यान रहे कि ये करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना काम करना पड़ेगा, कितनी सेल्स निकालनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ से निकल सकती है। ये विजन बोर्ड आपके अंदर वो एनर्जी भरता है और जो एनर्जी आपको कामयाब बनाती है। कहते हैं एक जो पिक्चर होती है, एक इमेज होती है, एक जो फोटो होता है वो 1,000 शब्दों के बराबर होता है। ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। इसलिए गोल्स लिखने से अच्छा है कि वो गोल्स पिक्चोरियल फॉर्म में हो, इमेज की फॉर्म में हो, फोटो की फॉर्म में हो, जो आपके बोर्ड के ऊपर हो। आपके विजन बोर्ड पर क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपका घर, आपके सपनों का घर कैसा होगा, उसमें आपका बेडरूम कैसा होगा, उसके इंटीरियर कैसे होंगे, उसके एक्सटीरियर कितने होंगे, उसका साइज कितना बड़ा होगा, वो किस तरह होगा, उसके अंदर क्या क्या फर्नीचर, किस तरह का फर्नीचर होगा, आपकी कार कौन सी कार हो, कौन सी कार आप लेने वाले हैं इस साल में, आपकी ड्रीम कार कौन सी है जो इस साल में आप लेने वाले हैं, 10 साल बाद नहीं, इस साल, कार नहीं तो बाइक, वो बाइक कौन सी, कितने की आएगी, किस कलर की, किस ब्रांड की, किस मेक की, सेकेंड हैंड या नहीं, जो भी आपका विजन है, जो भी आपका गोल है, जो अचीवेबल भी हो, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको दिन रात काम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े। गोल ऐसे रखें जिसके लिए मेहनत करनी पड़े, बहुत ज्यादा पसीना निकल ले ऐसा गोल हो, ऐसा ना हो कि वो बस अपने आप होने वाला ही है, जिसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़े, ऐसा गोल बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। गोल ऐसे हो जो संभव भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, और जिसको करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत हो, तब आपका विजन बोर्ड आपके लिए आपकी कामयाबी में कंट्रीब्यूट करेगा। सो आपका घर कैसा हो, आपकी गाड़ी कैसी हो, आपकी बाइक कैसी हो, आपका बेडरूम कैसा हो, और प्रोफेशनली जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कौन सा लेवल अचीव करना चाहेंगे इस ईयर के एंड तक, तो उसकी प्रमोशन फोटो एक काल्पनिक फोटो बनाइए। अगर आप फ्रेशर हैं तो सिल्वर की फोटो आपकी होगी नहीं आपके पास में, तो एक कल्पना कीजिए कि एक सिल्वर की फोटो होगी, किसी सिल्वर की फोटो की जगह आप अपनी फोटो लगाइए वहां पर, किसी सिल्वर की फोटो लीजिए, उसको एडिट कीजिए और उसके चेहरे की जगह अपना चेहरा लगा दीजिए, उसकी जगह अपने आप को रिप्लेस कर दीजिए और लगा दीजिए कि मैं सिल्वर की प्रमोशन लूंगा, या मैं सिल्वर है आप तो आपकी सिल्वर की फोटो की जगह आप अपने गोल्ड की फोटो बना दीजिए, उसको उस गोल्ड की फोटो को आप पर्ल की फोटो बना लीजिए, जो भी आप रूबी है तो कल्पना कीजिए कि जब आपका डायमंड प्रमोशन होगा तो किसी भी एग्जिस्टिंग डायमंड की प्रमोशन की फोटोग्राफ्स देखिए और उसको एडिट करके अपनी बना के लगाइए अपने विजन बोर्ड पे। फेसबुक पे नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, गलत काम नहीं करना है, पर जो आपका विजन है वो आपको आपके सामने हो, आपके विजन बोर्ड पर हो, तो एक काल्पनिक पिक्चर बनाइए आपकी प्रमोशन की, आपके आपके विजन बोर्ड पर जो खास खास चीजें होनी चाहिए। जब आप विजन बोर्ड बनाएं तो एक चीज का ध्यान रखें कि आपका जब मूड अच्छा हो, जब आपका मूड अच्छा हो, जब आप खुशगवार माहौल में हो, जब आपका कोई टेंशन ना हो, जब आप बिल्कुल हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हो, तब आप बैठ के अपने विजन के बारे में सोचें। क्योंकि जब मूड अपसेट होता है, जब आपका दिमाग सही काम नहीं करता है, आपके ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो जाती है, जब आपने कोई सेटबैक फेस किया हो, आपको कोई धक्का लगा हो, आपको कोई झटका लगा हो, उस वक्त अगर आप आपके गोल के बारे में बात करेंगे तो आप अपने आप को कम आंक रहे होंगे। जब किसी ने आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया होगा तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस वक्त नीचे चला जाता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है तो ऐसे में क्या होता है, आप अपने आप को कम आंकते हैं, आप अपनी क्षमताओं को कम मानते हैं, तो ऐसे में आपके गोल्स छोटे हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जब आप विजन बोर्ड बनाए, जब आप विजन बोर्ड बनाने बैठे, जब आप अपने गोल सेट करने बैठे, तो आप अच्छे मूड में हो, और इसको आप फॉर्मेलिटी में जल्दी जल्दबाजी ना करें, इसके लिए आप वक्त लें थोड़ा सा।
ऐसा भी नहीं कि 2 हफ्ते लगा दें, 3 हफ्ते लगा दें और पूरा लॉकडाउन निकाल दें और आपका विजन बोर्ड ही तैयार ना हो। आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अकेले में बैठे, अपने परिवार के साथ बैठे, अपनी वाइफ के साथ में बैठे, अपने हस्बैंड के साथ में बैठे, बच्चे बड़े हैं तो उनके साथ बैठ के एक बार बैठ कर डिस्कस करें कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या है हमारी प्रायोरिटीज। तो टाइम लें, लेकिन इतना टाइम भी नहीं कि पूरा दिन निकल जाए और पूरे लॉकडाउन का पीरियड ही खत्म हो जाए और आपका विजन बोर्ड तैयार ना हो। गोल्स आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जो भी आपके गोल्स हैं पहले उनको लिख लीजिए, लिखने के बाद में उनको स्पेसिफाई कर लीजिए, उनकी डिटेल्स बना लीजिए और फिर उनसे रिलेटेड पिक्चर, जो भी आपका गोल है, जो भी आपने लिखा था, जिसकी डिटेल पूरी आपने बना ली पेपर पे, वो सारे गोल्स से सिमिलर पिक्चर, उनके लिए सूटेबल पिक्चर आप गूगल से ढूंढिए, उनको प्रिंट कर लीजिए। मैगजीन्स हैं तो मैगजीन में से निकाल लीजिए। एक विजन में आप सबको देना चाहूंगा, ये बिजनेस है लोगों का, इस बिजनेस में आप अपनी टीम के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके पास एक बड़ी टीम नहीं होगी आप बड़े गोल्स अचीव कर ही नहीं सकते, और बड़े गोल अचीव करने हैं तो आपके पास बड़ी टीम होनी ही होनी चाहिए। इसलिए जरूरी है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, बड़ा कुछ लक्ष्य हासिल करने के लिए, कि आपके पास एक बहुत बड़ी टीम हो और आप एक अच्छे लीडर हो। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा एज लीडर्स कि आप एक ऐसी पिक्चर बनाइए, एक ऐसी इमेज की कल्पना कीजिए अपनी खुद की, कि आपके पीछे हजारों लोगों की भीड़ है। एक फोटो है, मे बी आप सेल्फी ले रहे हैं क्राउड को बैक दिखाते हुए, आपके पीछे बहुत सारा क्राउड है और आप एक सेल्फी स्टिक से एक सेल्फी ले रहे हैं और आपके पीछे हजारों की भीड़ है। वो लोग जो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, वो लोग जो आपकी खुशी में खुश है, वो लोग जो आपकी तरक्की पर फूले नहीं समा रहे, ऐसी एक कल्पना कीजिए और ऐसी एक काल्पनिक पिक्चर बनाइए अपनी। अपना एक फोटो और उसके पीछे फोटो क्या बोलते हैं उसको, फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हुए आप एक काल्पनिक पिक्चर बनाइए कि आपके पीछे हजारों की भीड़ है, जो आपकी टीम के लोग हैं, वो आपकी डाउनलाइंस हैं, वो आपके फॉलोअर्स हैं, वो लोग जो आपकी प्रमोशन पे खुश हो रहे हैं, वो लोग जो आपकी तरक्की पे तालियां बजा रहे हैं, वो लोग जो आपके ऊपर फूल फेंक रहे हैं। ऐसी एक कल्पना कीजिए, ऐसी एक काल्पनिक पिक्चर बनाइए और वो आपके विजन बोर्ड पे जरूर रखिए, क्योंकि वो आपको बताएगी वैल्यू ऑफ टीम। जब आप एक ऐसी पिक्चर आपने विजन बोर्ड पे लगा के रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टीम की वैल्यू क्या होती है। वो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपको एक टीम बनानी है और आपने टीम से कभी मिसबिहेव नहीं करना है, आपके लिए टीम को कोई बुरे शब्द नहीं कहने हैं जिससे कि किसी को बुरा लग जाए, कोई हर्ट हो जाए। इसलिए ऐसी पिक्चर आप जरूर बनाएं। साथ में जरूरी है कि उस विजन बोर्ड पर एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो कि ये भी ये गोल्स हैं जिनको मैं हर हाल में इस फाइनेंशियल एंड तक या इस कैलेंडर ईयर तक 31 दिसंबर 2020 या 31 मार्च 2021 फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर, अब मैं सर्च करूंगा कि आप फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग करें क्योंकि कैलेंडर ईयर के बहुत सारे महीने ऑलरेडी चले गए हैं। तो आप एक गोल बनाइए कि 31 मार्च 2021 तक मैं ये हर हाल में अचीव करूंगा और उसके बाद आप बॉटम पे राइट साइड कॉर्नर में आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए। ऐसा एक विजन बोर्ड आप बनाइए, जल्दी से बनाइए और बनाने के बाद मुझे बताइए, अपने लीडर्स को बताइए। एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूँ लास्टली, क्या आप अपना विजन बोर्ड बनाएंगे आज? क्या आप सच में अपना विजन बोर्ड बनाएंगे?